ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अभी अगर बांटने का काम कर रहा है वो आपको सही नहीं लगता? हाँ बिल्कुल मुझे सही नहीं लगता जी, और ना मैं इसी वजह से ओबीसी के पक्ष में हूँ। हमारी जो बॉडी जागी तो वो उसको जागी जो विकास के ऊपर बात करता है। जो यादी बात विकास नहीं होता, नहीं मजदूरी के पैसे नहीं होते। गाँव में जो मौजूदा प्रधान है अगर किसी का खड़ुंचा या नाली लगने हो तो उसे नहीं लगाते। अब जैसे मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं बीजेपी को बुरा मानता हूँ कि भाई बीजेपी हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन कराती है, मुझे बुरी लगती है। मीरापुर विधानसभा सीट में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर क्षेत्र में ये मीरापुरी क्षेत्र है जहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों पर इनका वोट जाने वाला है और किस पार्टी की तरफ जो है इनका कह सकते हैं रुख है। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार जी। बबलू जी, आप वोट करने जाते हैं क्या देखते हैं? पार्टी का चिन्ह देखते हैं या चेहरा देखते हैं, प्रत्याशी या विकास? बस चेहरा भी देखा है जी। पार्टी तो हमारी जो है भाजपा की है, पहले से ही आदमी के अब अपने हिसाब हो। अच्छा, हमारे लिए तो पार्टी यही है जी। पार्टी हाँ, पहले है। हाँ जी, पार्टी को देख के वोट हाँ करते हैं। ठीक है, आप बताइए आप किसे देखकर वोट करते हैं? हम तो उसे देंगे जी। किसे? भाजपा को। भाजपा को, क्या कारण है? बस भाजपा ही हमारे लिए तो बस। अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कुछ मतदाता कह रहे हैं कि वो भाजपा को उनका वोट जाएगा। आप क्या नाम है आपका? वाहिद नाम है जी। वाहिद जी, एरिया में आपको क्या लग रहा है, मतलब कौन से जो प्रत्याशी हैं ज्यादा टक्कर में? नहीं, टक्कर में तो दो ही है, गठबंधन है जो, हाँ जी, RLD वाले हैं जो मिथिलेश पाल जी जो हैं, हाँ। इन्हीं का तो, और जी कादिर राणा जो लड़की हैं उनके, कादिर राणा की जो, हाँ सुंबल राणा, उनकी टक्कर है। और वैसे भी यहाँ नेता आ रहे हैं, और जी आज जैन चौधरी जी आए हैं, अखिलेश का भी आने का मामला था लेकिन अखिलेश का भी आने का कोई पता नहीं चला, और हाँ ओवैसी जी आ गए, और रावण के भी चल रहा है कि हाँ जो यहाँ आने का मामला बनना उनका, लेकिन कोई विकास के ऊपर वोट नहीं मांगा जा रहा है बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, विकास का तो नाम ही नहीं है इलेक्शन के अंदर पूरे उसमें, जब भी या तो जाति या हिंदू मुस्लिम सिर्फ इसमें बांटा जा रहा सबको। हाँ ओवैसी वोट मांग रहे हैं लोग प्रत्याशी? अब मैं बताऊंगा आपको, जो योगी जी आए थे उन्होंने भी सिर्फ जाति धर्म की बात करी, विकास के ऊपर कोई बात नहीं हुई। आज ओवैसी जी आए हुए हैं, सभा है उनकी मासी, ओवैसी भी ही हिंदू मुस्लिम का, मतलब कुल मिलाकर हिंदू मुस्लिम का वो करते हैं टॉपिक, कोई विकास के ऊपर बात नहीं करते। अब जैसे मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं बीजेपी को बुरा मानता हूँ कि भाई बीजेपी हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन कराती है, मुझे बुरी लगती है। ऐसे ही मेरा मानना है ओवैसी के खिलाफ भी है, ओवैसी भी मुझे ऐसे ही बुरे लगते हैं जैसे बीजेपी बुरी लगती है। जो भी अगर बांटने का काम कर रहा है वो आपको सही नहीं लगता? हाँ बिल्कुल मुझे सही नहीं लगता जी, और ना मैं इसी वजह से ओवैसी के पक्ष में हूँ। हमारी जो बॉडी जागी तो वो उसको जागी जो विकास के ऊपर बात करता है। हम कौन कर रहा है विकास के ऊपर बात? विकास के ऊपर तो यहाँ किसी ने भी बात नहीं करी, कोई भी बात ही नहीं कर रहा। फिर कैसे होगा? अब ये तो देखने वाली बात है, फिर तो ये होगा कि भाई हमें तो नोटा का बटन दबाना पड़ेगा, हम तो किसी को वोट नहीं देंगे, जो होगा फिर। आप बताएं अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीर सिंह है जी। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पर आपको, मतलब यहाँ के मुद्दे क्या हैं और क्या देखकर आप लोग वोट करते हैं? तो हैं विकास के ही यहाँ, जैसे जो यहाँ पानी भरा रहे हुए रोड सही नहीं है ये, लेकिन विकास के उस पर जो यहाँ से जीरो है, कोई यहाँ से विकास नहीं होता, हो जाए कोई भी लेकिन विकास कोई नहीं कर। विकास के नाम पे कोई वोट मांग रहा है? नहीं मांग रहा है। विकास के नाम पे कोई वोट नहीं मांग रहा, कोई नहीं मांगता, केवल जो इन पे जो वैसे ही अपना जो वोट मांगने आवे, विकास के नाम पे कोई वोट नहीं करता। सुंबल राणा को पे क्या कहेंगे? उस पे हमारा तो कोई वो नहीं, हमारा भाजपा मिथिलेश पाल पे है वो, ठीक है। हाँ वही ठीक है, उनको क्यों वोट जाएगा? जाएगा तो पार्टी के, उससे बीजेपी को देख के। हाँ अच्छा, पार्टी जुड़े हुए, बीजेपी के साथ, मतलब RLD साथ में नहीं लड़ती तो क्या जाता? तो भी भाजपा को ही जाता, भाजपा को जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कुछ बीजेपी के वोटर्स कह लीजिए वो RLD के साथ प्रत्याशी लड़ रही हैं तो भी जो है इनका वोट बीजेपी को जाएगा, चाहे उनके बीजेपी के साथ कोई भी पार्टी यहाँ पे लड़े, तो ये एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर और भी है, यहाँ पर आप बताइए, आप युवा हैं,
शिक्षा रोजगार को लेकर क्या देखते हैं क्षेत्र में, अच्छे क्या कॉलेजेस वगैरह हैं या फिर आप आगे जॉब करेंगे, करते हैं जॉब अभी आप? अच्छा ठीक है। अगर कोई और जॉब आपको करनी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए करनी हो, क्या सोचा हुआ है आगे के लिए, क्या यहाँ पे साधन है नहीं है? साधन है यहाँ पे है। क्या साधन? काफ़ी कॉलेज वगैरह हैं यहाँ पे, बड़े बड़े स्टूडेंट कॉलेज हैं। साधन नहीं है ऐसा यहाँ कुछ भी, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, एमरजेंसी में एकदम बहुत लोग ऐसे हैं जो सताए हुए हैं कि भाई मेरठ के लिए एकदम एमरजेंसी जाता है, तो बहुत लोग ऐसे बेचारे जो बीच में दम तोड़ दे उन्होंने रास्ते में, यहाँ नहीं है ऐसी कोई सुविधा। कितना दूर जाना पड़ता है यहाँ? अब 50 किलोमीटर है मेरठ। मेरठ या मुजफ्फरनगर? आ गया ये थोड़ा सा। मुजफ्फरनगर में भी कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, मुजफ्फरनगर से भी रेफर कर देते हैं मेरठ को। अच्छा, तो यहाँ से सीधा मेरठ? यहाँ ना तो कोई रोजगार पे बात करता, ना विकास पे बात करता, ना ही अमीर या गरीबी पे कोई बात नहीं करता, ना ही बात होती है महंगाई पे, सिर्फ बात हो जाति जाति में बटे पड़े लोग। और दूसरी बात ये है, हिंदू मुस्लिम है इसके ऊपर ही इलेक्शन होता है यहाँ से। जो हिंदू है वे हिंदू पर जाएंगे, जो मुसलमान है, रही बात इसकी काम करने की, अगर जो तरक्की होनी चाहिए वो यहाँ कोई तरक्की नहीं है जी। आपने कहा आप लोगों ने कि विकास की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने ये भी कहा यहाँ पे जाति धर्म में लोग बटे हुए हैं, पार्टियाँ उसी पे जो है वोट मांग रही हैं, हिंदू जो है अपने बीजेपी को वोट कर देगा, लेकिन जो मुस्लिम है वो किसे वोट करेगा ये बताएं, क्योंकि ना यहाँ पे 4 प्रत्याशी मुस्लिम है, सपा, बसपा, AIMIM, है ना, तो कंफ्यूज हो रहे हैं क्या मुस्लिम यहाँ पे? नहीं मुस्लिम अजी, ये तो इनका तो इलेक्शन एक रात में पलट जा। बताऊँ आपको, मुस्लिमों का जो है तो वो सिंबल राणा के साथ है जाता है। हाँ, सिंबल राणा के साथ जाएगा। कुछ मुस्लिम आपको लगता है कि RLD प्रत्याशी की तरफ बट रहे हैं? RLD की तरफ हैं कुछ है? हाँ कुछ हैं RLD से भी। और बाकी जो जैसे आजाद समाज पार्टी हो गया, बसपा हो गया, सिंबल राणा तो बता ही दिया आपने, तो OVC के जो प्रत्याशी हो गए, तो ये 4 प्रत्याशियों में मुस्लिम वोटर्स आपको लग रहा है सब में थोड़ा थोड़ा बट जाएंगे? चारों प्रत्याशियों में डिवाइड हो रहा है। फायदा किससे हो जाएगा? फायदा तो BJP को जा रहा सीधा सीधा, RLD गठबंधन को जा रहा सीधा सीधा, फायदा जो हो रहा उससे कोई वो ही है ही नहीं इसमें, क्योंकि मुसलमान 4 जगह फट रहा है इसमें। अब देखिए, इस सीट पे मुस्लिम हो या फिर दलित तो अच्छी खासी तादाद में है, चंद्रशेखर की पार्टी देखे तो उनके पास एक तो मुस्लिम वोटर्स भी हैं और दलित भी हैं, तो क्या लग रहा है? चंद्रशेखर का मामला इतना अभी है नहीं जी, एक झोजा बिरादरी है जो चंद्रशेखर के साथ है। हाँ, और तो उनके प्रत्याशी भी उसी बिरादरी के बस। हाँ, और कहीं उनकी पकड़ ऐसी है नहीं, तो कह सकते हैं कि आगे के चुनावों के लिए जमीन तैयार हो रही है। ऐसे ही होता है, ये बात ऐसे ही होता है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ विकास करी है आज तक? यहाँ पे तो ये ऐसा लगता है नड़का ही कर रहा है, काम हो ही नहीं पाता, काम नहीं हो पाता। अरे पैसे भी नहीं मिलते हैं, तनख्वाही के पैसे भी नहीं मिलते हैं। जो ये अजी बात, विकास नहीं होता, नहीं होता, मजदूरी के पैसे नहीं मिलते। क्या गांव में ही जो मौजूदा प्रधान है, अगर किसी का खड़ोंचा या नाली लगने हो तो उसे नहीं लगाते, नहीं लगाते, उसके बार बार उसके यहाँ जाओ जाओ उनको जी काम करवाएंगे करवाएंगे, 5 साल इतना रोजगार भी नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर मीरापुर क्षेत्र के जो स्थानीय लोग हैं, इनका यहाँ पर ये कहना है कि कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर, चाहे वो OVC हो, चाहे वो सपा के हो, चाहे वो RLD वाले हो, कोई भी हो, कोई भी यहाँ पर जो है विकास को लेकर बात नहीं कर रहा है, विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहा है, जो भी आता है हिंदू मुसलमान करता है चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इससे काफ़ी उदास ये लोग हैं, इनका ये कहना है कि कम से कम विकास के नाम पर वोट मांगिए और जो विकास करेगा उसी को जो है इनका वोट जाएगा। मीरापुर से UP तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।